हेलो गुड इवनिंग क्या हाल चाल तुम लोग के लिए आज फिर मस्त धुआंधार धार धमाकेदार जानदार शानदार क्लास लेकर आए हैं आज हम लोग फिर एक न्यू टॉपिक ग्रेविटेशन पढ़ने वाले हैं देखो जैसे कि हमने वादा किया था कि एकदम ज़ीरो वाले बच्चे भी क्लियर कर लेंगे हाँ थोड़ा बहुत तो एफर्ट करना पड़ेगा लेकिन एकदम पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा इस वाई पे तो देखो हम लोग का लगभग सभी टॉपिक कवर हो रहा है तो ये बहुत इम्पॉटेंट है उन बच्चों के लिए जो पहले से थोड़ा सा वीक थे और उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है जिसका पूरी तरह से तैयार है एक बार रिवीजन चाहिए एक बार रिवीजन हो गया तो काम हो जाएगा तो उन लोग के लिए ये बहुत अच्छा है ठीक बेटा और सेल्फ़ स्टडी करना तो ज़रूरी है ज़रूर करना पड़ेगा और हम लोग इतने सारे क्वेश्चन पर डे पच्चीस पच्चीस तीस तीस क्वेश्चन कर रहे हैं वो तुम अगर प्रैक्टिस करते जाओगे तो काम हो जाएगा ठीक चलो जय हिंद बेटा जय हिंद जय महाकाल जय श्री राम जय श्री कृष्ण ठीक भगवान करे तुम्हारी हर मनोकामनाएं पूरी हो जाए तुम लोग का सपना पूरा हो जाए तुम लोग ज्वाइन हो जाओ ठीक चलो <laughs> तो ये देखो बेटा ये टाइमिंग है ये लास्ट मेरा क्लास है तो टाइमिंग के डिस्क के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं हाँ बेटा तुम लोग को अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो ज़रूर कॉल करना या उसके बाद का प्लान तो बताया जाएगा देखा जाएगा ठीक लेकिन अगर कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो ज़रूर से ज़रूर कॉल करना बेटा ठीक चलो तो ये देखो बेटा बहुत मज़ेदार चीज़ है बीस तारीख को अभी ज़्यादा समय भी नहीं बचा हुआ है जिसको जो करना है वो यहाँ देख सकता है यहाँ पढ़ सकता है ठीक चलो ये नोट्स बैच में सब अपलोड होता है तो प्रैक्टिस कर सकते हो अब ये सब तुम लोग को पता होगा तो इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं चलो हूँ अच्छा तुमने कॉल किया था बेटा चलो अच्छा तो हम लोग आज थोड़ा ग्रेविटेशन के बारे में बेसिक बेसिक जानकारी ले ले रहे हैं तुम लोग एक चीज़ नोटिस करना कि जो हम थ्योरी बताते हैं पूरा चैप्टर कवर नहीं कराते ठीक जो भी बच्चा मेरा एप्लीकेशन वाला क्लास लिया होगा तो वो ध्यान देगा कि पूरा हम थ्योरी यहाँ पे नहीं करा रहे हैं यहाँ कर क्या करा रहे हैं जैसे 20, 25, 30 क्वेश्चन हैं वो 30 क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए जो कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है उसको पहले यहाँ कराते हैं फिर जाके क्वेश्चंस कराते हैं तो जिससे फायदा क्या होता है जो पहले से जो बच्चा पढ़ा हुआ है ठीक तो वो थ्योरी देख के रिवाइज कर लेता है ठीक जो नहीं पढ़ा हुआ तो उसके लिए पहली बार थ्योरी आता है फिर तुरंत हम क्वेश्चन लाते हैं उसके अकॉर्डिंग जिसके कारण क्या होता है कि इंस्टेंट फिर से रिविज़न होता है जिसका तैयारी नहीं हुआ था पहली बार पढ़ा है और जिसका एकदम अच्छा है तो वो ग्रिपिंग बन जाता है एट द एंड जैसे कुछ बच्चों को देखे होगे एक क्वेश्चन बस गलत होता है या दो क्वेश्चन गलत होता है पूरा सब सही होता है तो वो बच्चे क्या हैं कि वो एप्लीकेशन वाला क्लास पूरा लिए हैं ठीक बेटा समझे नहीं तुम्हें दिख नहीं रहा है बेटा क्या चलो <laughs> ये देखो तो ग्रेविटेशन ये कहा जाता है कि न्यूटन बैठे हुए थे ठीक और अचानक एक सेव गिरा उनके दिमाग में आया कि अच्छा कुछ तो है, कुछ तो कारण है कुछ तो गड़बड़ है कुछ तो गड़बड़ है और ये गड़बड़ करते करते एक नियम बना दिए नियम क्या बनाए उन्होंने बोला कि पृथ्वी पृथ्वी अर्थ ठीक किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचता है और जो अपनी ओर खींचता है उसी को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं और ये किसके कारण होता है ये द्रव्यमान के कारण होता है ये हमेशा अट्रैक्टिव होगा अट्रैक्टिव मतलब आकर्षित करेगा अपनी ओर फिर दूसरा यह क्या होगा ये संरक्षी बल होगा संरक्षी बल मतलब कंजर्वेटिव बल होगा तीसरा इन्होंने क्या बोला कि सेंट्रल फोर्स होगा मतलब केंद्रीय बल होगा केंद्रीय बल होगा केंद्रीय बल हो केंद्री तुम लोग यहां ऐसे देख सकते हो ये देखकर समझ सकते हो तुम लोग ठीक चलो अच्छा कोई रोल नंबर नहीं आया है एक बार देखते हैं बेटा क्या होता है एक हमको भी देखना पड़ेगा इसके बारे में हर जगह न्यूटन की लॉ होती ठीक चलो अभी तर आ जाओ ठीक है बेटा ऑलवेज वेलकम तो ये चीज हम लोग ये तीन फोर्स देख ली अब यहाँ यहां पे देखो पूछेगा किस पे किस पे निर्भर करता है तो देखो एक वस्तु m है दूसरा वस्तु कैपिटल m तो देखो अगर एक वस्तु दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है उसको गुरुत्वाकर्षण बोला जाता है एक प्लैनेट दूसरे वस्तु को या प्लैनेट को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है तो उसको भी गुरुत्वाकर्षण बोला जाता है लेकिन एक और नाम दिया गया है एक और नाम दिया गया है जिसको बोला जाता है वेट भार क्या बोला जाता है भार मतलब एक कोई प्लानिट दूसरे किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है तो उसको बाहर भी बोला जाता है मतलब सेम चीज़ है सेम चीज़ है कोई डिफरेंस नहीं है इसमें ठीक अच्छा अब देखो बेटा यहाँ पे देखो वेट इज इक्वल टू एम जी हम लोग पढ़ें फिर इसके इज इक्वल टू ये भी पढ़ें अभी पढ़े ना इसका मतलब G इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर ये होता है ये जान लो ठीक अब एक चीज और देखो ये हम लोग का प्लानिट है ठीक अभी इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं बेटा किसी को अगर बहुत डिटेल में जाना है तो एप्लीकेशन वाले क्लास में एक एक पॉइंट मेंशन किए हैं तो देखो पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट डी अगर पॉइंट ए पे कोई गुरुत्वाकर्षण पूछे तो क्या होगा ये देखो जी ए बराबर होगा जी वन माइनस टू एच टू एच बाई आर आर क्या है यहाँ से यहाँ की त्रिज्या, त्रिज्या और एच क्या है ये हाइट है एच ठीक चलो जी बी कोई पूछे जी बी कितना होगा तो ये होगा नाइन पॉइंट एट जी सी कोई पूछे तो जी सी कितना होगा जी वन माइनस टू डी बाई आर डी क्या है यहाँ से यहाँ की दूरी डी है और जी इसको डी नाम दे दे रहे हैं जी डी कोई पूछे तो जीरो ठीक चलो ये है बेटा चलो ठीक ये तुमको चार पांच पॉइंट याद रखना होगा इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी के पृष्ठ पर मतलब सरफेस पर अगर तुम खड़े हो तो गुरुत्वाकर्षण मैक्सिमम है ऊपर जाओगे तब भी घटेगा नीचे जाओगे तब भी घटेगा केंद्र पे चले जाओगे तो गुरुत्वाकर्षण जीरो हो जाने वाला है ठीक ये जान लिए तुम लोग ठीक अब एक चीज जान लो ठीक ये हम लोग का पृथ्वी है इसके ऊपर एक हाँ, दो ठीक अब देखो बेटा ये पहला ऑर्बिट जिसको कक्षीय कक्ष बोलते हैं ठीक यहाँ पे जाने के लिए वेलोसिटी कितना चाहिए यहाँ पे जाने के लिए एट किलोमीटर पर सेकंड चाहिए इस ये बोला जाता है गुरुत्वाकर्षण से बाहर पूरी तरह से बाहर इसको यहाँ पे जाने के लिए कितना चाहिए इसको पलायन वेग कहते हैं पलायन पलायन वेग ठीक इसके वेलोसिटी यहाँ जाने के लिए इसको पार करने के लिए कितना चाहिए वेलोसिटी तो 11.2 पॉइंट टू किलोमीटर पर सेकेंड इस वेलोसिटी से जाएगा तब ये वाला बाउंड्री पार कर पाएगा क्रॉस कर पाएगा क्लियर है बेटा तो हम लोग ये देख लिए ये ग्रेविटेशन पढ़ लिए ये पढ़ लिए ये पढ़ लिए ठीक और कुछ बचा? नहीं अब कुछ बचा भी होगा तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेंगे ठीक हम्म देखो बेटा क्वेश्चन क्या है द टाइडल वेव इन द सी आर प्राइमरी ड्यू टू ठीक किसके कारण होता है टाइटल ठीक तुम ये जानते हैं ना ज्वार भाटा तो ज्वार भाटा जो होता है वो किसके कारण होता है ठीक देखो बेटा एक तुम लोग को दिखा रहे हैं बहुत मस्त सा डायग्राम जिससे तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि क्या होता है ये सब चीज ठीक जैसे ये पृथ्वी है हम लोग का हाँ। बेटा इस पे हम क्या किए ठीक अब यहां पे एक सर्कल बना ये हम लोग क्या है मून है ठीक और ये मान ले रहे हैं कि ज्वार है ठीक तो एक चीज़ देखना क्या होता है जब भी ज्वार भाटा आता है तो देखे होगे, देखो बेटा ऐसा होता है देखो जहाँ जहाँ मून है वहीं उठा हुआ दिख रहा है दिख रहा है ना बेटा ठीक ये देखो अब मून नीचे आया तो नीचे वाला पानी देखो उठा हुआ दिखाई देगा फिर मून इधर आया तो देखो इधर वाला पानी उठा हुआ दिखाई देगा समझ में आ रहा है तो जो ज्वार भाटा आता है वो हर समय जहाँ चाँद होता है वहाँ ज्वार आया हुआ रहता है ये क्लियर है बहुत मेहनत से ये आर्ट बनाए हैं कृपया करके इस पर फोकस करो ये देखो देखो फिर उसके बाद जैसी हुआ फिर यहाँ पे जैसी देखो यहाँ पे देखो दिख रहा है बेटा ऐसे करके एक जगह से दूसरे जगह ये गति करता है ज्वार और भाटा ठीक तो किसके कारण हो रहा है ये हो रहा है मून के कारण किसके कारण मून के कारण हो रहा है ठीक चलो ये क्वेश्चन करो बेटा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ देयर वर ए स्मॉलर ग्रेविटेशनल इफेक्ट विच ऑफ़ द फॉलोइंग फोर्सेस डू यू थिंक वुड एल्टर इन सम रिस्पेक्ट जल्दी से बताओ अब यहाँ पे देखो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देखो कि बोल रहा है कि गुरुत्वाकर्षण में थोड़ा सा बदलाव हो जाए तो कौन सा चीज़ बदलेगा तो देखो ना ही ये बदलेगा ना ही ये बदलेगा क्योंकि गुरुत्वाकर्षण से मतलब ही नहीं है ये इसका जो फोर्स होता है ये फार्मूला होता है रो जी वी मतलब ये गुरुत्वाकर्षण पे निर्भर करता है तो गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा गुरुत्वाकर्षण घटेगा तो ये भी घटेगा ठीक इसी को बॉइंट फोर्स या उत्पलावन बल कहते हैं ठीक क्या कहते हैं बॉइंट फोर्स या उत्पलावन बल चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ चुका है देखो इस क्वेश्चन का आंसर करना जल्दी से हुआ किसी से देखो एक चीज समझो मान लो ऐसे कोई सर्कुलर गति कर रहा है तो कोई पूछे कि इस बॉन्ड पे वेलोसिटी क्या है तो ऐसा कुछ वेलोसिटी होगा हर पॉइंट पे वेलोसिटी बता रहे हैं इस पॉइंट पे क्या वेलोसिटी होगा यहाँ पे होगा इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी क्या होगा यहाँ पे होगा ठीक एक सेकेंड ये क्या ये यह देखो यहाँ पे होगा ए ये इस पॉइंट पे वेलोसिटी कहाँ होगा यहाँ पे इस यह पॉइंट पे यहाँ पर एक सेकेंड तो यहाँ से तुम देख सकते हो कि हर पॉइंट का जो वेलोसिटी है वो अलग अलग है है ना ठीक तो एक चीज़ देखना बेटा यहाँ से मतलब यहाँ वाला पार्टिकल यहाँ जाना चाहता है यहाँ वाला पार्टिकल इधर जाना चाहता है यहाँ वाला पार्टिकल इधर यहाँ वाला पार्टिकल इधर यहाँ वाला पार्टिकल इधर यहाँ वाला पार्टिकल इधर जाना चाहता है लेकिन फोर्स के कारण जो केंद्र की ओर आकर्षित किया जा रहा है जिसके कारण इसको मुड़ना पड़ता है और ये ऐसा हो जाता है मतलब अगर फोर्स नहीं लगेगा अंदर की ओर नहीं खींचा जाएगा तो वो इसी दिशा में चला जाएगा और ये कर यह है क्या यही है स्पर्श देखो इसी को टेंजेंट या स्पर्श रेखा बोला जाता है ठीक तो यहाँ पे देखो क्या क्या लिखा हुआ है ऑप्शन क्या देखा कंटिन्यू विथ मूविंग वेलोसिटी अलॉन्ग मूव विथ टेंजेंशियल ओरिजिनल वेलोसिटी हाँ ये क्या होगा इस वेलोसिटी से आगे की ओर चला जाएगा बी होगा आंसर <laughs> चलो क्लियर है बेटा समझ में आ गया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर यहाँ पे देखो क्या बोला गया है द एटमोसफियर इज हेल्ड टू द अर्थ बाई एटमोसफियर कैसे है ठीक एक ग्रेविटी का बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि मान लो ये अर्थ है ठीक तुमको मान लो अर्थ यहाँ से ऐसे घूम है अर्थ ऐसे घूम है ठीक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है देख लो तुमको तुम यहाँ पे हो तुमको यहाँ जाना है तुम क्या एक काम कर सकते हो तुम ऐसे हवा में आ जाओ तुम प्लेन लेकर यहाँ पे आ जाओ कुछ देर बाद ये वाला भाग यहाँ पे आएगा ही क्योंकि अर्थ ऐसे घूम रहा है तो फिर नीचे उतर जाओगे बहुत आसान हो जाएगा फ्यूल भी ज़्यादा खर्च नहीं होगा क्या ये संभव है यस या नो में आंसर देना जो अभी बताएं क्या ये संभव है यस या नो ठीक कि मतलब तुम यहाँ पर हो तुम हवा में उड़ गए फिर पृथ्वी घूम के यहाँ पर आया तुम नीचे आ गए तुम अपने जगह पे आ गए हो जहाँ पे चाह रहे थे ठीक क्या संभव है नहीं ये संभव नहीं है क्यों क्योंकि जो हवा में जा रहा हो ना बेटा वो हवा भी गति कर रहा है वो हवा भी तुमको ऐसे लेके जा रहा है ये तुम जो वस्तु है प्लेन है वो भी उस वेग से चल रहा है जिस वेग से पृथ्वी चल रहा है जैसे सोलह हजार किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रहा है पृथ्वी तो हम लोग भी उसी वेग से चल रहा है अचानक पृथ्वी रुकेगा तो हम लोग बहुत तेजी से आगे की ओर बढ़ेंगे यही कॉन्सेप्ट से ठीक बेटा तो ये है आंसर क्लियर है चलो ये क्वेश्चन देखो ध्यान देना बेटा इस क्वेश्चन पे द वेट ऑफ अ बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ अर्थ के सेंटर पे क्या होता है वेट तो देखो सेंटर पे बेटा जी जो है वो जीरो हो जाता है क्या हो जाता है जीरो तो वेट क्या होता है ए ठीक क्लियर है बेटा हु? चलो हो गया अब यहाँ पे आओ ये अब जी जीरो देखो एक चीज़ जान लो कि धीरे धीरे घटते जाएगा घटते जाएगा घट जाएगा जितना हम लोग अंदर जाएंगे उतना घटते जाएगा और सेंटर पे जाके जीरो हो जाता है ठीक आसान सा कौनसेप्ट ठीक द डिस्टेंस बिटवीन टू मासस इज डबल द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन क्या होगा जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर ठीक देखो बेटा इसको कोई इस क्वेश्चन को न्यूमेरिकल से सॉल्व करते हैं हम जी एम एम बाई आर स्क्वायर अब क्या बोल रहा है कि ये डबल हो गया खुद सोचो ये डबल हो गया टू आर का स्क्वायर अब जी एम एम बाई फोर आर स्क्वायर ये क्या यही एफ था ना अब सोचो एक चौथाई हो गया कि नहीं हो गया क्वार्टर हुआ कि नहीं हुआ बेटा जिस कारण हम लोग बोलेंगे ये आंसर है ठीक बी नहीं होगा बेटा फोर टाइम्स नहीं घट जाएगा ठीक क्या हो जाएगा घट जाएगा ठीक चलो एक चौथाई चलो यहाँ पे आओ बेटा इस क्वेश्चन को करो देखो क्वेश्चन क्या बोला है क्वेश्चन को रीड करो और इसको सॉल्व करो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एविडेंस टू शो दैट देयर मस्ट बी फोर्स एक्टिंग ऑन इर्थ डायरेक्टेड टुअर्ड्स द सन ठीक अब द क्वेश्चन तुमको समझाना क्या चाह रहा है कि कौन सा एविडेंस है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि पृथ्वी को सन की ओर अट्रैक्ट किया जा रहा है तो डेविएशन ऑफ फॉलिंग बॉडी टू अर्थ ये नहीं बेटा कोरियोलिस फोर्स है ये ये नहीं होगा ऐसा कुछ नहीं है ठीक फिर रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ राउंड द सन अच्छा फनमिना ऑफ डे ऑन नाइट नहीं इसका तो ये तो घूमने का कॉन्सेप्ट है ना घूम रहा है इसलिए हो रहा है अपेरेंट मोशन ऑफ सन राउंड द अर्थ नहीं 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 जो पृथ्वी इर्द गिर्द लगाता है ना बेटा ठीक ऐसे करके तो ये देखो सन अंदर की ओर अट्रैक्ट कर रहा है ये एम वी स्क्वायर से फोर्स अप्लाई कर रहा है जिससे बाहर जा रहा है और बैलेंस कर दे रहा है तुम लोग को ये भी बताए थे कि यहाँ पे सिर्फ एक फोर्स लग रहा है और अगर कोई पूछे कि सैटेलाइट जो घूमते रहता है ये पृथ्वी जो घूमते रहता है कौन सा फोर्स लग रहा है सिर्फ एक फोर्स ये जी एम एम बाई आर स्क्वायर एम वी स्क्वायर यार कोई फोर्स नहीं है ये मैं सोचो कि इसको फोर्स करके बैलेंस कर दोगे दो फोर्स नहीं 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 ये क्या है बेटा ये एक वेलोसिटी है इस वेलोसिटी से मूव करने पर ये क्या करेगा ये ऑर्बिट नहीं छोड़ेगा कक्ष नहीं छोड़ेगा ठीक चलो ये क्वेश्चन देखो बेटा जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो बेटा नहीं बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स तुम एप्लीकेशन वाला क्लास में नहीं थे क्या हमें एक्सप्लेन अच्छा तुम लोग एक्सप्लेन किए हैं कि नहीं पता नहीं तो शायद किए हैं तुम लोगों तो कि सेंट्रीपिटल फोर्स इस ऐसा कोई फोर्स नहीं होता है वो जी एम एम बाई आर स्क्वायर का ही दूसरा रूप है बस ठीक समझे अब यहाँ पे देखो बेटा इस क्वेश्चन को देखो हम लोग ये जानते हैं एफ इजिकल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर ठीक तो बोल रहा है क्या कि बॉडी वन के जी का हो तो वन वन के जी अप्लाई किया वन 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 वन, वन इंटू करेंगे तो वन ही हो जाएगा कोई मतलब ही नहीं है वन इंटू वन दूरी कितना होगा वन इंटू वन तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा जी एफ बराबर जी जी का वैल्यू क्या है जी का वैल्यू है सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन टेन पावर माइनस इलेवन आंसर ठीक अच्छा नोट्स वाइज इन रोल की हो बस अच्छा इसीलिए चलो तो ये देखो बेटा रुको बता दे रहे हैं हम पहले ये समझ लो कि ये फोर्स बस तो एक और वर्ड है यहाँ पे वैक्यूम निर्वात अच्छा वैक्यूम की जगह पानी में होता है तो क्या होता वैक्यूम के जगह पानी में होता है तो फोर्स बढ़ जाता है कि घट जाता जल्दी से बताओ बेटा ठीक पहले बताओ फोर्स घट जाता कि बढ़ जाता जल्दी से आंसर दो जल्दी से बताओ बेटा क्या होता डिक्रीज़ हो जाता जल्दी से बताओ बेटा जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो हमको क्या हो रहा अच्छा घट जाता है हो जाता है डिक्रीज हो जाता है जो बच्चा नेक्स्ट के लिए बोल रहा है जल्दी से बेटा तुम भी आंसर दो देखना चाहते हैं हम कि पता है कि नहीं पता है तुमको ठीक देखो बेटा इस चीज़ को जानो ये मीडियम पर मतलब माध्यम पर निर्भर नहीं करता माध्यम पर निर्भर नहीं करता है बेटा तो किसी भी मीडियम में हो मैटर नहीं करता जीरो ही होगा मतलब चेंज नहीं होगा वही होगा सेम रहेगा ठीक चेंज नहीं होगा ठीक क्लियर है अच्छा दूसरा चीज एक और एक बच्चा पूछ रहा है क्वेश्चन उसका आंसर दे रहे हैं कि मान लो ये हम लोग का अर्थ है ये क्या है सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा अर्थ है हम लोग का ठीक अब इस इस अर्थ के इर्द गिर्द हम लोग का एक ऑर्बिट है ठीक ये ऑर्बिट है और इसी में एक सैटेलाइट मूव कर रहा है एक सैटेलाइट मूव कर रहा है ठीक हाँ ये सैटेलाइट इधर से इधर जा रहा है तो कोई पूछेगा कि बताओ इसपे कितना बल लगा तो इस पर सिर्फ एक बल लग रहा है जो जी एम एम बाई आर स्क्वायर है ये आर सॉरी आर एम एम लेकिन देखो एक और बात आता है तुम लोग के दिमाग में आएगा कि यहाँ पे एम वी स्क्वायर बाई आर ये भी तो होना चाहिए सर नहीं बेटा ये एक वेलोसिटी होता है जो इस फोर्स को बैलेंस आउट करता है बस मतलब कि हम एक वेलोसिटी मान लो आठ किलोमीटर पर आठ किलोमीटर पर सेकेंड से फेंकेंगे तो वो वस्तु यहाँ चला आएगा और ऐसे घूमना शुरू कर देगा बस ये सोचो कि एक अलग से कोई फोर्स है ये नहीं अलग से ये कोई फोर्स नहीं है ठीक वो यही है समझो इसी का दूसरा रूप है मुखौटा ओढ़ा हुआ है यही का दूसरा रूप है बस मुखौटा ओढ़ा हुआ है क्लियर है बेटा चलो यहाँ पे ये क्वेश्चन करो ग्रेविटेशनल मास इज प्रोपोर्शनल टू द ग्रेविटेशनल क्या होगा जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो ग्रेविटेशनल hmm. मास मतलब ये जो एम है जो एम एम हर जगह लिख रहे हैं एम या स्मॉल एम ठीक वो क्या होगा ठीक अच्छा देखो बेटा सबसे पहले तो फील्ड का फार्मूला लिखते हैं फील्ड का फार्मूला क्या है फील्ड का फार्मूला है फील्ड को आई द्वारा दर्शाते हैं आई बटे एम सॉरी आई इज इक्वल टू एफ़ बटे एम ये फार्मूला है एफ़ का फार्मूला क्या है जी एम एम बाई आर स्क्वायर बटे एम एक एम एक एम कट गया जी एम बाई आर स्क्वायर क्या ये ग्रेविटेशनल मास द्रव्यमान फील्ड में है क्षेत्र में है तीव्र इसमें है? हाँ है तो सर सही है ये वाला दूसरा फोर्स लिखते हैं जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर क्या इसमें भी द्रव्यमान है हाँ इसमें भी द्रव्यमान है इससे भी संबंध रखता है ठीक अब फिर इंटेंसिटी इंटेंसिटी फील्ड दोनों सेम चीज़ है चलो हम जी द्वारा भी दिखा दे रहे हैं इस वैसे भी लिखा जाता है ठीक अब बताओ बेटा क्या इसमें भी एम है हाँ तीनों में एम है बेटा ये 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 तो हम लोग का आंसर होगा डी क्लियर है हम लोग का आंसर क्या होगा डी होगा ठीक क्लियर है अभी <coughs> ये क्वेश्चन करो बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पॉइंट मास ये ये सेपरेशन ये ठीक के क्या है के के बारे में पूछा जा रहा है ठीक अब तुम लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि सर के क्या है के तो नहीं पढ़े हैं हम लोग ठीक जी पढ़े हो ना जी पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो ए फिजिकल टू जी एम वन एम टू बाई आर जी के जगह के लिख दिया गया जी एक साइंटिस्ट थे कैवेंडेस नाम के ठीक उन्होंने जी के बारे में बताया था ठीक तो ये ये सबसे पहले देखो क्या मीडियम पे निर्भर करता है डिपेंड्स ऑन मीडियम मीडियम पे निर्भर करता है नहीं निर्भर करता है ना बेटा ठीक अच्छा फिर डिपेंड्स ऑन ए एन बी ये लिखा होगा सही है बताओ नहीं अब ये बताओ अलग अलग यूनिट में इसका वैल्यू अलग अलग होगा कि नहीं होगा ये बताओ इसका अलग अलग यूनिट में इसका अलग अलग वैल्यू होगा कि नहीं चलो करके देखते हैं देखो एफ इजिकल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर ठीक एक चीज़ देखना बेटा हम लोग जी का पहले एक बार डायमेंसन निकाल के देखते हैं डायमेंसन से यूनिट निकाल लेंगे या यूनिट ही डायरेक्ट निकाल दे रहे कि क्या होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे के जी स्क्वायर यही है ना इसका जी का सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन टू द पावर माइनस एलेवन ठीक न्यूटन की जगह हम क्या कर दे रहे हैं डाइन कर दे रहे हैं चलेगा तो टेन पावर फाइव मीटर की जगह सेंटीमीटर कर दे रहे हैं तो टेन पावर फोर बट केजी के जी की जगह ग्राम कर दे रहे हैं तो ये हो जाएगा टेन पावर माइन नहीं थ्री सिक्स ये आ जाएगा तो ये कितना आ गया डाइन सेंटीमीटर और ग्राम इसको ये कितना आ गया नाइन थ्री टेन पावर नाइन थ्री आ गया थ्री ठीक ये आ गया बेटा ठीक मतलब ये और मल्टीप्लाई हो जाएगा फॉर ये ऐसा SI के लिए है सी के लिए क्या होगा सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन दो माइनस इलेवन इंटू टेन पावर थ्री ठीक ये वैल्यू होगा वैल्यू बदल रहा है ना बेटा समझ में आया तो यहाँ से तुम लोग आंसर कर सकते हो कि डिपेंड्स ऑन यूनिट्स ओनली यूनिट्स पर निर्भर करेगा क्लियर है बेटा यहाँ पे देख सकते हो कि यूनिट्स अलग यूनिट पे सी में ये आ रहा है एस में ये आ रहा है वैल्यू बदल रहा है मेरा ठीक चलो क्लियर है चलो बेटा हम लोग अब आगे चलते हैं यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन विच सॉरी हु हुमोंग द फॉलोइंग गे फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ जी जी के बारे में किसने बताया था कौन बोला था तो जी के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था कैवेंडिस ठीक कैवेंडिस थे जो जी के बारे में बताए थे हम लोग को समझाए थे ठीक बेटा चलो क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन देखो बेटा इस क्वेश्चन के लिए तुम लोग को टाइम दे रहे हैं सॉल्व करो हम वेट कर रहे हैं ठीक जल्दी से जल्दी से सॉल्व करना क्वेश्चन बोल रहा है कि द सेंट्रिपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सेटेलाइट राउंड द सर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द सेटेलाइट बोथ इक्वल टू एफ द नेट फोर्स ऑन द सेटेलाइट ओह बहुत सही बहुत सही बहुत सही जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से पूरा हम कॉन्सेप्ट समझाएं हैं बस ये क्वेश्चन के लिए ठीक ये टेक्निकल के लेवल का क्वेश्चन है देखो टेक्निकल के लेवल का क्वेश्चन नहीं है लेकिन ये जो वर्ड्स है वो थोड़ा घुमाया है इसलिए टेक्निकल बोल रहे हैं नहीं तो सब हम सेम बोलते हैं आंसर बी होगा बेटा अरे देखो प्लैनेट्स है ये प्लैनेट है इसके ऑर्बिट में घूम रहा है इस पर कितना फोर्स लग रहा है इस पर कितना फोर्स लग, लग रहा है ये बताओ द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन है सेटेलाइट ऑर्बिटिंग राउंड द अर्थ द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द अर्थ एक्टिंग ऑन द सेट बहुत टू जल्दी से बताओ बेटा ये कितना फोर्स लग रहा है सिर्फ एक फोर्स लग रहा है ना इसमें कौन सा जी एम एम by आर स्क्वायर पहले ही बोले हैं तुमको कि ये मत समझना कि वो एम बी स्क्वायर बाई आर कोई फोर्स है नहीं 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 ठीक वो बैलेंस आउट बस कर रहा है इस चीज़ को ठीक तो ये हो गया ये हम लोग समझ लिए अब वो कैसे बैलेंस आउट करता है तुम लोग के दिमाग में ये भी चलता होगा कि सर बैलेंस आउट तो कर रहा है कैसे बैलेंस आउट कर रहा है ऐसे ही बैलेंस फोर्स को तो फोर्स ही बैलेंस आउट करता है ना वो कभी हम और एक्सप्लेन कर सकते हैं तुम लोग को अभी ये एक्सप्लन करना यूजलेस रहेगा तुम लोग के लिए कोई काम का नहीं रहेगा तो इसीलिए कोई ज़रूरत नहीं है कभी जरूरत होगा तो ज़रूर कॉल करके बोलना हम एक्सप्लेन कर देंगे ठीक तो ये चीज़ हुआ या एग्जाम जब खत्म हो जाएगा तब बताना हम तब तुम लोग को एक्सप्लेन करके दिखा देंगे तो ये हुआ बेटा ये फोर्स हो रहा है एक ही फोर्स लग रहा है इसका वैल्यू क्या है वन एफ अब बोल रहा है कि नेट फोर्स इस पर क्या है नेट फोर्स एफ है बस बात ख़त्म हो गया क्लियर है चलो ये क्वेश्चन करो बेटा रीज़न ऑफ वेटलेसनेस इन सेटेलाइट क्या होगा सेटेलाइट में क्यों वेटलेस फील होता है जल्दी से बताना बेटा जल्दी से सोचो उसके पीछे का कारण क्या है नहीं बेटा जीरो ग्रेविटी नहीं होता है ग्रेविटी तो होता है लेकिन वो और कोई फोर्स सिर्फ एक ही फोर्स होता है ग्रेविटी सिर्फ ग्रेविटी <coughs> सिर्फ ग्रेविटी होने के कारण वहाँ पे फ्री फॉल का कंडीशन हो जाता है स्वतंत्र रूप से गिरने वाला कंडीशन हो जाता है जिस कारण यह होता है ठीक स्वतंत्र रूप से गिरने वाला कंडीशन हो जाता है अब देखो बेटा ये क्वेश्चन देखो यह क्वेश्चन क्या बोल रहा है ठीक द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ठीक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है रिपल्सिव होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है कंजर्वेटिव होता है नॉन कंजर्वेटिव होता है जल्दी से बताओ बेटा गुरुत्वाकर्षण बल ठीक देखो तुम लोग के दिमाग में बहुत सारा चल रहा होगा कुछ बच्चे रिपल्सिव भी मारे हैं देखो एक चीज़ जान लो बेटा हाँ वाइट होल का एक कॉन्सेप्ट आया है लेकिन तुम तुम लोग उसको अप्लाई मत करने लगना तो कंजर्वेटिव संरक्षी बल होगा हाँ स्टार्टिंग में ही बता दिए थे बेटा एकदम स्टार्टिंग में ठीक अच्छा अब यहाँ पे ये इक्वेशन करो बेटा जल्दी से देखते हैं कौन बता पाता है इसको जल्दी से बताना है मतलब किस पे निर्भर नहीं करता है वो पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे निर्भर नहीं करता है ठीक मतलब उसको कैलकुलेट करने के लिए वो इक्वेशन या वो फैक्टर की ज़रूरत नहीं है समझो बेटा जब भी निर्भर वाला क्वेश्चन आएगा डिपेंड्स वाला क्वेश्चन आएगा तो एक चीज देखना फार्मूला लिख लेना फिर देखना डिस्टेंस पे निर्भर करता है हाँ सॉरी डिस्टेंस पे निर्भर करता है हाँ इस पर तो करता है जी पे निर्भर करता है हाँ कर रहा है ठीक दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल पे कर रहे हैं हाँ कर रहा है लेकिन सम ऑफ मास द्रव्यमान के जोड़ पे योग पे निर्भर नहीं करता तो आंसर ए क्लियर है बेटा समझ में आया ठीक इजी है ना क्वेश्चन हाँ चलो ये क्वेश्चन करो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर दो टू स्पेयर ऑफ मास एम एंड कैपिटल एम आर सिचुएटेड इन एयर एयर में सिचुएटेड है द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज एफ द स्पेस अराउंड द मास इज नाउ फिल्ड विथ लिक्विड स्पेस ये बस ताम झाम बेगू बनाया हुआ इतना लंबा क्वेश्चन ये है नहीं ठीक बस एक कॉन्सेप्ट है इसमें एक कॉन्सेप्ट लगेगा और काम हो जाएगा तो आंसर ए है क्यों क्योंकि माध्यम पर निर्भर नहीं करता ये जो बल है वो माध्यम पे निर्भर नहीं करता वो स्टार्टिंग में ही लिख चुके हैं ठीक और माध्यम पे निर्भर नहीं करता है जिस कारण ये किसी भी माध्यम में सेम ही रहेगा डिपेंड ऑन मीडिया माध्यम पे निर्भर नहीं करता है माध्यम पर निर्भर नहीं करता है मध्यम पे निर्भर नहीं करता है क्लियर है बेटा क्लियर है ना क्लियर पूरी तरह से चलो अब यहां पे आओ बेटा इधर देखो ये क्वेश्चन करो कि अर्थ बाइंड द एटमोसफेयर बिकॉज ऑफ ठीक अर्थ कैसे बाइंड करता है अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन थोड़ा घुमा के डिफरेंट वे में क्वेश्चन तो पूछ लिया गया है ठीक अच्छा देखते हैं सही बच्चे आंसर दे पहले देखते हैं जो भी सी मारा है ना उसके लिए अद्भुत अद्भुत अद्भुतम वो लोग अपने लिए ताली बजा सकता है लेकिन कृपया करे ताली बजाने के लिए दो हाथ ले और गाल बीच में रखे तब ताली बजाए तब मजा आएगा ग्रेविटी खींचता है ना बेटा ग्रेविटी खींचता है ना हम क्या कर रहे हो तुम लोग हाँ पता है ये ये सब क्वेश्चन को गलत कह करने वाला ही पापी कहलाता है ठीक यही सब क्वेश्चन को गलत करने वाला तुमसे देखे हो ना कि पापी है ये तो पापी है वो वो यही क्वेश्चन गलत कर दिया था इसीलिए उसको पापी कहा गया ठीक चलो इधर आओ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्रेविटेशनल is true? कौन सा ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट के लिए सही बोला जा रहा है क्या इट इज अ फोर्स नहीं एक बल नहीं है ठीक दूसरा क्या इसका यूनिट नहीं है नहीं बेटा इसका यूनिट तो है क्या ये सेम वैल्यू रखता है सभी यूनिट में ना हम लोग प्रूव करके देखे भी हैं कि वैल्यू अलग अलग होता है इट डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द मीडियम इन विच बॉडीज आर केप्ड ठीक कहाँ रखा गया है उस पर निर्भर नहीं करता क्या सही है हाँ सही है ये तो ये तो बाजी मार गया ठीक ये तो बादशाह निकला बादशाह <laughs> चलो चलो बेटा ये देखो ये क्वेश्चन करो वेटलेसनेस एक्सपीरियंस वाइल ऑर्बिटिंग द अर्थ इन स्पेस सिप स्पेसिप में अगर कोई एस्ट्रोनॉट होता है तो उसको वेटलेस फील होता है वेटलेस मतलब जैसे कि तुम लोग कभी वो बहुत बड़ा चक्री में घूमे हो राइड किए हो उसमें तो देखोगे जब नीचे की ओर गिरता है तो अजीब सा फीलिंग आता है ठीक तो वही होता है वेटलेसनेस फीलिंग तो जब नीचे आता है बेटा फ्री फॉल होता है तो अजीब सा लगता है ना सोचो एस्ट्रोनॉट को हर समय वैसा लगता है और ज़्यादा लगता है वैसे तो ठीक तो वो क्यों होता है क्यों होता है वो होता है फ्री फॉल के कारण अब कृपया करके कोई भी ये नाम मारे ठीक सी डन सी कोई नहीं किया बहुत अच्छे जीरो ग्रेविटी नहीं है फ्री फॉल टूवर्ड्स द अर्थ पृथ्वी की ओर फ्री फॉल स्वतंत्र रूप से गिरने मतलब स्वतंत्र रूप से गिरना इस गिरना मतलब क्या होता है मतलब सिर्फ एक त्वरण लगना जिसका मान है जी नाइन पॉइंट एट बस सिर्फ एक त्वरण लगना उसी को बोला जाता है सर अर्थ पर वायुमंडल नहीं होता तो नहीं वायुमंडल क्या है वायु के मंडल को मतलब कई सारा वायु है कई सारा गैस है ठीक सब कुछ मिल के एक एयर बनाया है तो उस गैस में से एक ऑक्सीजन भी है जो बहुत अच्छे खासे मात्रा में ठीक क्लियर है। लेकिन ऑक्सीजन रोक कर नहीं रखा है वायुमंडल को गुरुत्वाकर्षण रोक कर रखा है वायुमंडल को गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा जैसे मून में वायुमंडल नहीं है क्यों गुरुत्वाकर्षण कम है उसका वो सब बाहर निकल गया गैस जिसका जीरो होगा वो क्या ही निकलेगा द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑन फ्रीली फॉल मूविंग आर्टिफिशियल सेटेलाइट अच्छा देखो एक चीज देखो एक चीज ध्यान देना बेटा ठीक ध्यान से सुनना सोचो ये, ये जो एक क्वेश्चन है इस एक क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग पूरा एक चैप्टर किए हैं तो क्या इस तरह का क्वेश्चन मिस होगा नहीं होगा ना तो इसीलिए हम लोग हर एक छोटे छोटे बारीक बारीक चैप्टर को क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर रहे हैं जिससे एक क्वेश्चन भी मिस ना हो तुम लोग का इनफाइनाइट क्यों इनफाइनइट इज इक्वल टू टू पाई रूट एल बाई जी तो ये क्या होगा जी इफेक्टिव तो जी इफेक्टिव क्या होता है ये होता है एल जी मैंने जी ये जीरो हो जाता है ये ज़ीरो हो गया तो टोटल अनंत हो जाता है अनंत ठीक हाँ चलो यहाँ पे हो <coughs> <coughs> यहाँ पे अ आयरन बॉल आयरन बॉल एंड वुडन बॉल ऑफ सेम रेडियस आर रिलीज फ्रॉम हाइट इन वैक्यूम द टाइम टेकन बोथ क्या कितना टाइम होगा बेटा क्या होगा ठीक एक आयरन बॉल एक वुडन बॉल दोनों को गिराया जा रहा है तो सबसे पहले क्या मटेरियल पे निर्भर करता है नहीं मटेरियल पे तो निर्भर नहीं करता और मटेरियल पे नहीं देखो एक चीज़ जान लो ठीक रफली नहीं एग्जैक्टली इक्वल होगा एग्जैक्टली इक्वल होगा ना ठीक रफली इक्वल नहीं होगा बेटा एग्जैक्टली इक्वल होगा वन अ बॉडी इज टेकन फ्राम द इक्वेटर टू द पोल्स ठीक इक्वेटर से पोल की ओर लेके जा रहे हैं तो एक चीज़ देखो बेटा मान लो कि ये तुम्हारा पृथ्वी है ये आर वन है ये आर टू है हम लोग जानते हैं कि फोर्स विफ्त का मानुपाति होता है आर के मतलब आर जितना बड़ा होगा एफ घटेगा तो ये देखो यहाँ पे बड़ा है आर मतलब बल छोटा है तो यहाँ पे एफ टू यहाँ F1 तो F1 वन इज ग्रेटर देन एफ ये आराम से बोल सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक तो क्या बोल रहा है कि वेन अ बॉडी टेकन फ्रॉम इक्वेटर टू पोल मतलब यहाँ से यहाँ अगर किसी बॉडी को लेके जा रहे हैं वस्तु को लेके जा रहे हैं तो क्या हो रहा है बल में रक्रीज हो रहा है बढ़ रहा है ठीक क्लियर है <coughs> चलो ये क्वेश्चन करो बेटा बॉडी ऑफ मास टू बॉटम ऑफ द डीप माइन, गहराई में लेके जाते हैं तो क्या होता है ठीक सोचो तो जब गहराई में लेके जाएंगे तो क्या वेट डिक्रीज होगा क्या वेट घटेगा मास कहाँ बदलता बेटा मास नहीं बदलता है मास तो बदलता ही नहीं है वेट के बारे में सोचना है बस ठीक बस वेट के बारे में सोचना है ठीक ये क्वेश्चन देखो इन ऑर्डर टू फाइंड टाइम ठीक टाइम निकालना है तुमको समय निकालना है ठीक द एस्ट्रोनॉट ऑर्बिटिंग इन अर्थ अर्थ सेटेलाइट शुड बी ठीक तुमको टाइम निकालना है कोई सेटेलाइट का जो पृथ्वी के इर्द गिर्द घूम रहा है या एस्ट्रोनॉट निकालना है जिसको भी निकालना है किसी ना किसी को तो निकालना ही है ठीक तो क्या होगा कैसे अच्छा नहीं टाइम पीरियड नहीं निकालना बस नॉर्मल टाइम देखना है नॉर्मल टाइम देखना है ये वाला टाइम देखना है तो क्या पेंडुलम क्लॉक चलेगा नहीं वो तो वहाँ रुक जाएगा ठीक पेंडुलम क्लॉक नहीं चलेगा ठीक ये स्प्रिंग वॉच काम करेगा वहाँ पे पृथ्वी के बाहर भी स्प्रिंग वॉच काम करेगा ठीक चलो अब इधर आ बेटा ये क्वेश्चन एज वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू पोल द वैल्यू ऑफ जी क्या होता है इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है जल्दी से बता दो इसमें हम थोड़ा सा भी बताने वाले नहीं हैं, या एक्सप्लेन नहीं करने वाले हैं बस तुम लोग को तुम लोग का आंसर देखने वाले हैं क्या बोलने वाले हो अच्छा बी आ रहा ठीक बी अच्छा 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 बी बी देखो 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 बेटा देखो देखो बेटा एम जी एफ इजिकल टू एम जी ठीक तो अगर जी बढ़ेगा तो एफ भी बढ़ेगा है ना क्या हम लोग ये जानते हैं कि इक्वेटर से पोल जब जाता है भूमध्य रे रेखा से ध्रुव की ओर जब भी कोई वस्तु जाता है तो उस पर बल बढ़ता है बल बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण भी ही बढ़ेगा ठीक तो ये इंक्रीज होगा ना बेटा क्या ही किए तुम लोग चलो टाइम भी हो गया है तो ठीक है बेटा किसी को कुछ पूछना है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में चैट बॉक्स में बताओ हम तुम लोग के क्वेश्चन का आंसर कर दे रहे ठीक जल्दी से बताना है बेटा अच्छा अब यहाँ पे देखो इस समय के दौरान इस नंबर पे कॉल करके तुम अपना कंफ्यूजन दूर कर सकते हो अब जैसे जानते ही होगी कल क्लास नहीं होने वाला है ठीक अब डायरेक्ट मंडे को मिलते हैं हम लोग ठीक और ये है टेलीग्राम चैनल जैसे क्लास शेयर होता है इसमें तुम क्लिक करके डायरेक्ट कर सकते हो झंझट नहीं होगा तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा ठीक ठीक फिर ये तीन है राम बाड़ मतलब किसी को भी कोई भी कन्फ्यूज़न है कॉल करके तुम लोग अपना पूछ सकते हो ठीक बाय बेटा बाय बहुत सारा प्यार बेटा बहुत सारा प्यार ठीक बस जल्दी से जल्दी क्लियर करो बेटा ठीक हम रसमलाई का इंतजार कर रहे हैं ठीक जैसे एक बच्ची तो क्लियर कर ली है और वो बोली थी कि रसमलाई खिलाने वाले हैं तो जल्दी से अब हमको रसमलाई मिलने ही वाला है ठीक जल्दी से बस हाँ ठीक बहुत सारा प्यार बेटा बहुत सारा प्यार ठीक थैंक्स सो लॉट बाय बेटा बाय